तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी सी फंडामेंटल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सुबह में हमने आपको क्लासेस एक डेमो दिया था रनिंग क्लास की, जिसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया था और आप वीवीए से भी ज्यादा फैमिलियर नहीं है, तो पहले थोड़ी सी फंडामेंटल समझिए उसके बारे में। और जाहिर सी बात है, कुछ भी यूज करने से पहले फंडामेंटल समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीवीए है क्या, उसके जरिए बनाएंगे क्या और यूज कहाँ करेंगे। वीवीए इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये वीवी नहीं है, क्योंकि वीवी अलग होता है, वीवी स्टूडियो जिसके जरिए हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ओके, एक्सी फाइल वगैरह बनाते हैं, बट ये वीवीए है, मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एड ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। राइट। तो सिर्फ एक्सेल पे वर्क नहीं करता, ये एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक सब पे वर्क करता है। राइट सर। राइट। अब इससे बनाएंगे क्या, तो बेसिकली वीवीए से तीन चीजें बनाती है। पहला बनता है मैक्रोज। अब मैक्रोज क्या है, हम मैक्रोज को ऑटो पायलट कर सकते हैं। ओके। ऑटो पायलट मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास 10 एक एक रिपोर्ट बनाना है, जिसके लिए आप 10 प्रोसेस को फॉलो करते हो। आप एक फाइल ओपन करते हो, उसके सीट वन पे जाते हो, डेटा कॉपी करते हो, फाइल टू पे आते हो, पेस्ट करते हो, पिवट लगाते हो, पिवट को समराइज करते हो, चार्ट लगाते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, नया फाइल बनाते हो, मेल करते हो, 10 या 15 स्टेप को फॉलो करते हो, जिसको करने में आपको एक आध घंटा लग जाता है। राइट। आप उसी स्टेप को वीवीए लैंग्वेज में कोड कर दीजिए और एक माइक्रोज बना दीजिए जहां से आप उसको रन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। जैसे उस पर रन पे आप क्लिक करेंगे तो उसी स्टेप को फॉलो करेगा, जो काम आप घंटों में कर रहे थे उस काम को विदिन सेकंड में कर सकते। ठीक है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है, वो आता है फंक्शन। फंक्शन मतलब कि अपने लिए खुद के फॉर्मूले, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वीलुकअप एचलुकअप बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप अपने हिसाब से फॉर्मूले बना सकते हैं, जिसकी क्लास की जो जिसकी क्लास आप सुबह 9:30 में लिए थे। फॉर्मूले को कस्टमाइज करना या फिर अपने लिए खुद के फॉर्मूले बनाना, क्यों, क्योंकि वो फॉर्मूले एक्सेल में क्रिटिकल है, इसलिए हम अपने लिए सिंपल फॉर्मूले लगाते हैं ताकि हम इसको इजीली यूज कर सकें। और तीसरा आता है, वो आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म हम कह सकते हैं कि पॉपअप, डायलॉग बॉक्स या इंटरफेस। जैसे आप मान लीजिए पिवट टेबल इस्तेमाल करते हैं, आपने पिवट टेबल पे क्लिक किया तो पिवट टेबल की जो पॉपअप आया दैट कॉल्ड यूजर फॉर्म। ओके। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यूजर फॉर्म इस तरह के फॉर्म में नहीं होता तो काफी कॉम्प्लिकेशन होती, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन है कि पिवट लगाना है तो डेटा रेंज में या अदर एक्सटर्नल डेटा पे, इसी सीट में क्लिक करना है या अलग सीट में, डेटा मॉडल में ऐड करना है या नहीं करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग पिवट में कई सारे मैक्रोज बनाने पड़ जाते हैं। तो उन सारे मैक्रोज को एक मैक्रोज में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे इनपुट्स दे दिए, यूजर जो इनपुट सेलेक्ट करेगा उसी हिसाब से माइक्रो परफॉर्म करेगा। Okay. इसको हम इंटरफेस करते हैं ताकि यूजर इसको इजीली यूज कर सके। आप छोटे मोटे मैक्रो बनाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने कोई बड़ा मैक्रो बनाया जिसके कई सारे प्रोसेस है, मान लीजिए कि एक रिपोर्ट जिसको बनाने में 4 घंटा लगता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट था, उसके लिए आपने मैक्रो बनाया, एक मैक्रो तो होगा नहीं, उसके लिए आपने 3-4-5-6 पार्ट पर ही मैक्रो बनाया अलग अलग पार्ट पे। अब प्रॉब्लम है
कि हमें पार्ट को उस माइक्रो को सिक्वेंसली रन करना है क्या. अब सिक्वेंसली रन करना है तो कैसे यूजर को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा माइक्रो पहले रन हो. राइट. तो ये हम क्या करेंगे, यूजर फॉर्म बना देंगे और माइक्रोस को बटन और बाकी जो भी हमारे टूल्स है उस टूल्स के जरिए कनेक्ट कर देंगे. यूजर वन बाय वन क्लिक करता जाएगा, इनपुट देता जाएगा और माइक्रो चलता जाएगा. यूजर फॉर्म उसके लिए यूज करते हैं. तो ये समझ में आया कि वीबी के जरिए करेंगे क्या. माइक्रोस हम इसको ऑटो पायलट कर सकते हैं, जैसे प्लेन को विदाउट पायलट रन करने के लिए ऑटो पायलट होता है. फंक्शंस खुद के लिए फॉर्मुलेज बनाते हैं या फिर हम फॉर्मुलेज खुद के लिए भी बनाते हैं और माइक्रोज के लिए भी बनाते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक माइक्रोज है जिसमें कैलकुलेशन है, जिसको 10 बार करना है, 10 जगह पे यूज किया है तो 10 बार कैलकुलेशन करना है और उस कैलकुलेशन की कोड 10 लाइनों की है, तो आपको 100 लाइन लिखना पड़ जाएगा या फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा. राइट. और उससे आपका माइक्रो के साइज फाइल की साइज बढ़ जाएगी. तो हम क्या करते हैं कि उस कैलकुलेशन को हम फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और बाकी 10 जगहों पे उसको यूज कर देते हैं. कोड तो 10 लाइन ही रहा, बाकी जगहों पे एक एक लाइन लिख के हमने उसको कॉल किया हुआ. तो फंक्शंस एक्सेल के लिए यूज होता है और फंक्शंस माइक्रोस के लिए भी यूज होता है. क्लियर है सर? बिल्कुल सर. अब बात करते हैं कि माइक्रोस का इस्तेमाल कब करेंगे. तो इसके दो नजरिया है. पहले नजरिया से देखें कि आप फाइल किसके लिए बना रहे हो. मान लीजिए कि अभी आपने जो यूजर फॉर्म मुझे दिखाया उसको आप मान लीजिए 100 लोगों को भेजना चाहते हो, ठीक है. अब इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि 100 लोग जो है वो वीवीएस से फैमिलर है. क्वेश्चन पहला क्यों, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट फाइल भेज दिया और उनकी माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होगी यूज करते नहीं है तो माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करेंगे नहीं. जैसे ही फाइल खोलेंगे उनको सिक्योरिटी अलर्ट का वार्निंग देगा. अगर उनको वीवीएस के बारे में पता है कि एरर के बारे में पता है तो ठीक है, अदरवाइज जो नहीं पता है, जो बहुत कम ही एक्सेल यूज करते हैं, वो क्या करेंगे, बोले यार इसमें वायरस तो नहीं है, वार्निंग दे रहा है क्या. बिल्कुल, तो आपको फोन में बताना पड़ेगा कि या फिर मेल पे लिखना पड़ेगा तो माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कीजिए, इसमें माइक्रो कंटेनर है. राइट. एक थोड़ा सा हो जाता है ना सरदर्दी वाली काम. नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ ऐसा होता है. तो आप ऐसे फाइलों पे माइक्रो को अवॉइड करें. ओके. ठीक है कि जो फाइल कई सारे जगहों पे जा रही है उस पे जब तक बहुत ही जरूरी ना हो जाए तब तक उस पे माइक्रो का इस्तेमाल ना करें. ठीक है. लेकिन ऐसे फाइल जो आपके पास रहती है आप उसको क्रिएट करके आप नॉर्मल फाइल बना के भेजते हो तो आप उसमें थर्मल से माइक्रो यूज कर सकते हो. नहीं लेकिन अगर कुछ जैसे फॉर एग्जांपल यूजर फॉर्म जैसे है राइट, तो उसमें अल्टीमेटली काम तो यूजर को ही करना पड़ेगा, मैक्रो तो उसके पास ही रन होएगा. वो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं करना है. बिल्कुल बिल्कुल. मैं बोला कि प्रेफर दीजिए एक्सेल को, एक्सेल से जब नहीं होगा तो लास्ट में वीवी करना ही है ना. बिल्कुल. ठीक है ना. ये हो गया. अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरे नजरिए से. दूसरा नजरिया ये है कि सिचुएशन, अगर आपके पास कोई काम रिपीटेड है, जैसे एक काम को 10 बार करना है, जैसे मान लीजिए ना मुझे हर किसी को मेल करना था, जैसे आपको सुबह मिला था ना मेल, हर किसी को मुझे मेल करना होता था, तो मुझे बार बार क्या करना होता था, जीमेल लॉगिन करना होता था, मेल कंपोज करना होता था, फेसबुक मैंने ईमेल आईडी वगैरह डाल के, सब्जेक्ट वगैरह डाल के, कंटेंट वगैरह डाल के फिर सेंड करना होता था. कितना ही फास्ट ईमेल करने में 5 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक फाइल बना हुआ है, हमने यहाँ पे टाइम्स रूल डालते हैं, हम अपने चेक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अपने टेनीज का नाम और उसका एक शॉर्टकट बना रखा है कंट्रोल एम या फिर मेल, सिलेक्ट करता हूँ, रन कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली वीबीए को ऑटोमेटिकली क्रोम को ओपन करता है, मेल को लॉगिन करता है, कंपोज करता है,
ईमेल आईडी टू में डालता है, सब्जेक्ट डालता है, इसके सामने जो लिंक है वो लिंक को पेस्ट करता है और फिर मेल कर देता है। और ये करने में वो कुछ सेकेंड्स का ही टाइम लेता है। राइट। अब मान लीजिए कि मुझे हमें एक ही बार करना है, एक ही मेल करना है, इसके बाद मेल करना नहीं है, तो उसके लिए वीवीए कोड के जरिए मेल करो तो बेवकूफ भी होगा ना सर, क्योंकि वीवीए इजीली तो करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सिचुएशन डिफाइन करें कि आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या रिपीटेड जॉब है, यूज द वीवीए, नहीं जॉब रिपीटेड नहीं है तो वीवीए को अवॉइड करें। राइट। दूसरा तरीका होता है लेंदी जॉब, मतलब कि कोई काम एक बार ही आया है, आज ही आया है, कल परसों या फिर इन फ्यूचर में आएगा या नहीं भी आएगा, ठीक है, बट काम इतना ज्यादा लेंदी है कि अगर उसको मैनुअल करने बैठे तो दिन महीने साल लग सकते हैं। राइट। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे पास है एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इनफैक्ट मेरे आज मुझे किसी ने बताया था उसके पास 300 फाइल्स हैं और उन 300 फाइल्स को उनको कंपाइल करना है, तो ये एक एग्जांपल है, तो एक ही बार के काम, लेकिन बंदे को 300 का, हाँ 300 बार ओपन करने से अच्छा वो एक लूप लगा लेगा। हाँ इसके लिए हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी एक काम बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये देख लीजिए, क्योंकि ये छोटा सा एग्जाम्पल समझ जाएंगे, वो जो बता रहे हैं बड़ा एग्जाम्पल है, उसकी कोड नहीं समझ पाएंगे आप। मेरे साथ एक वेबसाइट का लिस्ट है, ठीक है, मैंने इस वेबसाइट लिस्ट को कॉपी किया, कहीं से कॉपी किया, ये 1,00,000 समथिंग डेटा है मेरे पास, ओके, तो ये काम मेरे पास एक ही बार आया, क्योंकि एक बार मुझे वेबसाइट का लिस्ट मिल गया तो बार बार को एक ही लिस्ट को कॉपी पेस्ट करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लिस्ट जो मेरे पास मिला है जो कि 1,00,000 के आसपास है, उसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि उस लिंक कंप्लीट नहीं है, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा सही कर देता हूँ, कि इसमें देखिए यहाँ पे देखिए इंडिया लिस्ट है, लोकांटो है, फोजले है, एट पोस्ट है, अब इसमें क्या है, डॉट कॉम है, डॉट को डॉट इन है, डॉट ओ आर जी है, क्या है वो नहीं पता अभी, नहीं पता, लेकिन इसकी कंप्लीट यूआरएल जो है इसके किस पे लगा हुआ है, हाइपरलिंक पे। Right. तो मुझे इसकी एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए, और मैं वीवी को छोड़ देता हूं तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, राइट क्लिक करने पड़ेंगे, एडिट हाइपरलिंक, और फिर यहां से इसकी एड्रेस को कॉपी करना होगा और इसके सामने पेस्ट करना है। तो सिंपल जॉब, राइट, लेकिन 1,00,000 पे सोच लीजिए आप बहुत ही स्पीड भी करो तो एक दिन में 500, 700 या 1,000 करो, बिल्कुल इससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे ना, ना। अब इसके लिए हम वीवीए में देखिए विथ इन फ्यू मिनट्स, मतलब कि मिनट भी नहीं लगेगा, और हम इसके लिए एक फंक्शन तैयार कर देते हैं, फंक्शन यूआरएल एन एज ए रेंज, यूआरएल इक्वल टू एन डॉट हाइपरलिंक, इसमें हमने 0 दे दिया, एन डॉट एड्रेस, हो गया। देखिए यहाँ पे हम URL नाम का फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी एक छोटी सी दिक्कत हो गई, हम यहाँ पे 1 करना चाहिए, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, कंफ्यूज जाता आ गया एड्रेस, एक मिनट से भी कम टाइम में हो गया ना सर, बिल्कुल, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जो तो इस पे तो मैक्रो यूज होना था ना मेरे ख्याल से, ये फॉर्मूला से आ गया। हाँ, अब देखिए मैक्रो यूज कब करते हैं, अब आप एक चीज और समझ लीजिए कि फंक्शन और मैक्रो यूज कब करते हैं, मैक्रो यूज करते हैं जहां पे आपको ऑटो अपडेट नहीं चाहिए, ओके, जैसे मान लीजिए कि 10+20 है, अब मुझे इसकी कैलकुलेशन अगर मान लीजिए मैक्रो के जरिए करनी है तो मैं एक बार मैक्रो का रन करूंगा, यहाँ पे 30 लिख देगा, राइट, फिर वापस ये 40 हो गया, तो मैं वापस से मैक्रो रन करने पड़ेंगे ताकि ये 50 अपडेट करे,
ठीक है लेकिन इसलिए हमने फंक्शन बना दिया तो क्या होगा, चेंज करते ही अपने आप को ऑटो अपडेट कर लेगा। ओके जैसे कि यूआरएल हमने लगाया हुआ है कि अगर कल के डेट में अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसकी यूआरएल चेंज करता हूँ, मान इंडिया लिस्ट डॉट कॉम है ना, मैं डॉट इन कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि इसकी यूआरएल को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डॉट इन कर देता हूँ, ठीक है, इन कर दिया। अब जैसे ये तो यूआरएल चेंज हुआ, इसलिए हुआ नहीं बनाया, एक बार जैसे क्लिक किया हो गया, आ गया, चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन ये मुझे ये समझ नहीं है कि इसका फॉर्मूला। ओके, नॉर्मली मैंने ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा है, जिस जो फॉर्मूला जो है उसके वेब एड्रेस को लेकर के, मतलब मैंने फॉर्मूला कितना बनाया आपका। है, ये मैंने खुद बनाया है, अभी तो आपके सामने कोडिंग की मैंने वीवीए में जाके। मतलब ये फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आया। फंक्शन यूआरएल एज रेंज यूआरएल देखिए एन डॉट हाइप। फंक्शन से हमने हमने क्या किया, एक्सेल में खुद के फॉर्मूले, खुद के एक नया फॉर्मूला क्रिएट किया, समझ गया, अच्छा, ये फॉर्मूला सिर्फ मेरे सिस्टम में रहेगा, आपके सिस्टम में नहीं रहेगा, क्योंकि तो मैंने नहीं, क्रिएट डर। किया, उसका नाम हमने यूआरएल दिया है और फॉर्मूले में एक रेंज सेलेक्ट किया जाएगा और हमने कोड दिया हुआ है कि ये क्या करेगा, इस रेंज से इसका वेब एड्रेस को पिक करेगा और बाहर शो करेगा, सिंपल से। एन एज रेंज हुआ, हमने बोला कि एन डॉट हाइपरलिंक में 1 दे दिया एज एड्रेस, इसकी एड्रेस को यूआरएल को देगा, यूआरएल बाहर बाहर शो करेगा। तो मैं आपको समझा रहा था, अभी कोड पे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, इसको इसको जब पढ़ाऊंगा तो नहीं, समझ में आएगा, मैं आपको बस ये समझा रहा ऐसे नहीं, मतलब ऐसे। ओके, नॉर्मल जो एक्सेल के जो नॉर्मल फॉर्मूलेज होते हैं ना, जो हूँ। नॉर्मल जो बिल्ट इन फॉर्मूला होता है, उसमें कभी मैंने ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा है। मैं तो है ही नहीं फॉर्मूला, रहता तो हम अप्लाई नहीं कर देते, फिर वीवी क्यों कर देते। नहीं है। मतलब इस तरीके का, आई नो कि आपने इसको बनाया खुद फॉर्मूला, बट इस तरीके का फॉर्मूला ना कभी मैंने हाँ नहीं है देखा तभी नहीं है। तो, नहीं है तभी तो हमने बनाया ना सर, अगर होता तो हम क्यों बनाते। ओके ओके ठीक मैं सिंपल सी बात है ना सर कि अगर सड़क बनी हुई है तो उस पे चलेंगे, क्यों बनाएंगे यार, जब सड़क नहीं बिल्कुल। बनी हुई है तो बना के चलेंगे। ओके तो वीवीए का यूज मैं समझा रहा था कि वीवीए का यूज दो सिचुएशन में होता है, पहला लेंदी वर्क और दूसरा रिपीटेड वर्क, मतलब कि ऐसा काम जो बार बार करना है, दिन में 2-10 बार करना है या हर दिन करना है या हफ्ते में करना है, उस पर टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो टाइम सेव करने के लिए हम वीवीए इस्तेमाल करते हैं। पर वीवीए इस्तेमाल करने का मेन मोटिव होता है लेस टाइम एंड 100% एक्यूरेसी, मतलब कि अगर जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि 100 फाइलों को कॉपी करके कंबाइन करना है, अगर आप मैनुअल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई फाइल छूट जाए, या ऐसा हो सकता है कि एक ही फाइल 2 बार कॉपी हो जाए, लेकिन जब आप वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे तो वो दो एक को 2 बार कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि तो उसमें कमांड दिया हुआ है कि एक को एक ही बार करना है, समझ गए। तो एक तो आपका फास्ट वर्क हुआ और दूसरा पर आपका 100% एक्यूरेट वर्क हुआ। तो वीवीए का इस्तेमाल हम इसी चीज के लिए करते हैं, फास्ट वर्किंग एंड एक्यूरेट वर्किंग, राइट सर। और इन शॉर्ट मैं बोलूँ कि वीवीए का यूज हम तभी करते हैं जब मुझे एक्सेल में कुछ नहीं मिलता है, या मिलता है तो लंदी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए करेंगे क्या और कब करेंगे और किसके लिए करेंगे, बिल्कुल तीन चीजें बिल्कुल। कंफर्म हो गया। क्योंकि सर क्या होता है, सबसे पहले जब आपके पास प्रॉब्लम आती है ना, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो तो एक डिसीजन लेना होता है कि क्या मैं उसको एक्सेल के जरिए ट्राई करूं या इसको वीवीए के जरिए ट्राई करूं, बिल्कुल तो ये डिसीजन मेन होता है, इसी डिसीजन पे डिपेंड करता है उस फाइल का रिजल्ट। अगर आपने कुछ ऐसा काम है जो कि एक्सेल में अच्छे तरीके से हो सकता था और वीवीए पे चले गए, तो आपके वीवीए पे जाने का मतलब है कुछ प्रॉब्लम को इनवाइट करना, जैसे कि एरर अलर्ट का प्रॉब्लम इनवाइट करना, दूसरा है कि आपका डॉट एक्सएलएस एम का फॉर्मेट को रखना, क्योंकि नॉर्मल एक्सेल तो डॉट एक्सएलएस एक्स होता राइट है, वीवीए डॉट एक्सएलएस एम होता है, तो एम वाले एक्सटेंशन को रखना, ठीक
तो ये सब की बाउंडेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम एक्सेल करते हैं तो हमारे पास इसकी बाउंडेशन नहीं होती है। लेकिन एक्सेल में क्या होता है कि इनबिल्ट फीचर्स है जो है वही यूज करना है, आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। और आप कुछ नया प्रोग्राम करते हो तो लेंथी हो जाएगा, जैसे कि आपने सुबह देखा होगा एरर फॉर्मूला के जरिए हमने कैलकुलेट किया था तो लेंथी था और हर किसी के समझ में नहीं आएगा। ओके, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग कि वीवीए सीखने के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए, वो मेरे पास है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस का, अगर आप देखिए क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर दो दिन क्लास नहीं लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो दिन क्लास लिया आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो क्लास इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, पहली चीज। एग्री। दूसरी, आपके पास एक्सेल की इंफॉर्मेशन ठीक ठाक होनी चाहिए, पहले से नॉलेज। ये हमारे फोन पर भी इसकी डिस्कशन हुई थी, मैं इसको भी एक बार समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक बार एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमें क्यों पता होना चाहिए वीवी एक्सेल के बारे में। मैंने एक डेटा लिया हुआ, ठीक है, आपके सामने डेटा है। अब आप पता है आपको कि डेटा पे कुछ भी करने से पहले हमें उसकी सिलेक्शन करनी पड़ती है। विदाउट सिलेक्शन न कॉपी न पेस्ट न फिल्टर न कीवर्ड न चार्ट एनीथिंग नहीं कर सकते। आपकी आपकी आवाज ना थोड़ी सी बीच में थोड़ी सी कभी कभी ब्रेक हो रही है। एक मिनट, ओ सर, बीच में ब्रेक हो रही है थोड़ी सी कभी कभी। ओके, तो शाम का टाइम है सर, लग रहा है सिस्टम बैकअप ले रहा है सर, इसलिए। ओके ओके, मैं बैकअप का टाइम चेंज कर दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं आपको पता है डेटा सिलेक्ट करना जरूरी है, तो डेटा को मैनुअली सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर देते हो। कंट्रोल ए, बिल्कुल। अब आप पता है कंट्रोल ए जो है शॉर्टकट है, इसका ऑप्शन का नाम क्या है और कहाँ है ऑप्शन। जैसे कंट्रोल सी करते हो तो कॉपी है, तो मेनू बार में कॉपी यहाँ पर हुआ है, कंट्रोल एक्स हो गया यहाँ। उस तरह से आप मान लीजिए फिल्टर करते हैं तो कंट्रोल सिर्फ एल है तो फिल्टर का कोड यहाँ पे डाला हुआ है। Right. तो कंट्रोल ए, क्योंकि हम वीवीए में कोडिंग में लिखते समय ये तो ना लिखेंगे ना कि प्रेस कंट्रोल ए, राइट। कॉपी के लिए तो लिखते हैं प्रेस कंट्रोल सी, अब कॉपी के लिए लिखते हैं ना रेंज ए वन डॉट कॉपी, राइट। तो इसका क्या होगा, सिलेक्ट ऑल का क्या होगा, पता है आपको कमांड क्या होगा, करेंट रीजन, करेंट रीजन ले लेंगे, हाँ करेंट रीजन। तो यहाँ फिल्टर में करेंट रीजन, तो अब इसके बारे में आपको पता होगा तभी ना आप करेंट रीजन लेंगे, नहीं तो फिर आप कंट्रोल ए के चक्कर में रह जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे मान लीजिए बोल्ड करना है तो आप क्या करते हो, यहां से बोल्ड कर देते हो या कंट्रोल बी कर देते हो, लेकिन पता होना चाहिए कंट्रोल बी कहां, बोल्ड किसके अंदर आता है, फॉन्ट के अंदर आता है। तो वीवीए कोड लिखना पड़ेगा रेंज ए वन डॉट font dot bold equal to true। अब equal to true पे ये पता होना चाहिए कि एक ही ऑप्शन से अप्लाई होता है और डिसलव अप्लाई होता है, मतलब चेकबॉक्स है, जहां पे चेकबॉक्स होगा वहां पे वीवीए में ट्रू होगा, एक्सेल में चेकबॉक्स तो वीवीए में ट्रू, ट्रू फॉल्स, समझे। बिल्कुल, मान लीजिए आप पेस्ट स्पेशल ही करते हैं, आप कॉपी कीजिए राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल कीजिए, तो यहां चेकबॉक्स है ना, इसकी ब्लैंक के लिए, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स होगा। इसके लिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि है पे एक्सेल पेस्ट वैल्यू, एक्सेल पेस्ट फॉर्मूला, लेकिन इसकी ब्लैंक और ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये चेकबॉक्स है। तो आपको पता होगा कि हाँ वीवी एक्स नॉर्मल एक्सेल में हमारा चेकबॉक्स है, तो यहाँ भी हमें ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा। तो ये नॉलेज होनी चाहिए पहले चीज। और जैसे आपने बात ही, आपको पहले से एक्सेल के बारे में पता है, कोई बात नहीं, राइट। दूसरा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस। नहीं, मुझे एक्सेल पता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत पता है, लेकिन हाँ काम पता है मुझे, मतलब हाँ, मैं जैसे आपको सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना। नहीं, वो ठीक है, मैं इसके बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो मैं वीवीए सीख रहा हूँ तो मुझे हो सकता है जरूरी है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट यूजर जरूर हूँ एक्सेल का,
लगभग फॉर्मूला जो है आपको ऑफसेट वगैरह ये सब मैं करता हूँ, समय पॉइंट ये सब मैं करता हूँ, बट बिल्कुल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। तो दूसरी चीज कि जब भी आप मेरे साथ वीवीए स्टार्ट करेंगे, जो भी स्टार्ट करता है तो उनको हम एक एक्सेल का वीडियो रेफर करते हैं। क्या चीज? एक्सेल? एक्सेल की एक वीडियो जो है हम रेफर करते हैं। ओके, ठीक है ना? क्योंकि आपने बोला कि आपको एक्सेल आता है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि आपको एक्सेल कितना आता है। राइट, समझ गए ना? कि मुझे आइडिया नहीं है कि एक्सेल आपको कितना आता है। तो मेरे पास एक 5 घंटे का प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया हुआ है, और वीडियो जो हम आपको भेज रहे हैं, अब वो व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया होगा। ओके, व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप भेज दिया, लिंक भेज दिया उसका। ठीक है, ठीक है। तो 4 घंटे से ऊपर की वीडियो है, तो मैंने बोलता कि इस वीडियो को कंप्लीट आप देखें, आप इस वीडियोस को उस पार्ट को देखिए जो पार्ट आपको नहीं आता है, आपको लगा कि हाँ ये तो मुझे नहीं आता है, देन वॉच, अगर हाँ ये तो टॉपिक आता है तो स्किप, फॉरवर्ड कर दे उसको। ठीक है सर? तो आज जो है इस वीडियोस को एक बार आप रेफर कर दें, फिर कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो। अगला चैप्टर हमारा आता है रिकॉर्डिंग मैक्रो, छोटा चैप्टर है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग पॉइंट से। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कभी किसी का कोड भूल गए, मान लीजिए आपको पेस्ट स्पेस वाला कोड भूल गए, या फिर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ छूट रहा है, तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मैक को सपोर्ट करता है। ओके, तो लर्निंग लर्नर के लिए रिकॉर्डिंग मैक को काफी हेल्पफुल है, जिसके बारे में हम आपके साथ कल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने वीडियो आपको रेफर किया है उसको आप प्लीज फिनिश कर लीजिएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन एक चीज मुझे दो चार चीजें और पूछनी है। हाँ पूछिए। ये लगभग कितने घंटे का मतलब हो गया? आपने तो बताया लगभग 40-45 मिनट हो गए, दैट इज फाइन। ड्यूरेशन हमारा एवरेज है, ड्यूरेशन हमारा एवरेज है, ये आपको 40 आवर्स से 45 आवर्स के बिटवीन खत्म हो जाता है, मतलब कि 1.5 से 2 महीना। डेढ़ से दो महीना लग जाएगा, लग जाएगा मंडे टू फ्राइडे। और क्लासेस का ड्यूरेशन आपको शुरुआत में छोटा होगा, क्योंकि अभी आपको पढ़ने का हैबिट नहीं है, अचानक से 2-2.5 घंटे पढ़ा दूंगा तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो शुरुआत में आपके जो है 35 मिनट की क्लासेस दूंगा, आपके 45 मिनट हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि 45 मिनट में कवर नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम कोई एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें आपको 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस देंगे। लेकिन वो आगे होगा, अभी नहीं, वो रिपोर्ट ऑटोमेशन, जब हम रिपोर्ट ऑटोमेशन के वीवीए करेंगे वहां पे 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे की क्लासेस होगी। ओके, अच्छा दूसरी चीज मुझे, हम जब केस चलेंगे उस केस में करेंगे। मैं समझ गया आपकी बात। दूसरी चीज ना मुझे, ओके, आप जो ये क्लासेस होगा ये सिर्फ आप बीबीए तो आई अंडरस्टैंड राइट, क्या आप एक्सेस की भी क्लासेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं या सिर्फ आफ्टर बीबीए? तो ये जो आप जो क्लासेस के बारे में बता रहे हो इसमें क्या बीबीए के साथ एक्सेस इंक्लूड है? क्योंकि कनेक्टिविटी का लास्ट, आपने आप शायद देखा नहीं होगा, लास्ट टॉपिक हमारा कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिविटी में आपको एक्सेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक्सेस आपको पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी, सीक्वल क्यूरी की प्रैक्टिस के लिए एक्सेस पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो इस मतलब मेरे पास ये आपका जो सिलेबस है ना, मतलब आई मीन ओके, क्या क्या है आप, ये मेरे पास नहीं, आपने बोला था आपने भेजा है बट मुझे मिला नहीं कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। अभी कर देता हूँ। हाँ, आप उसको प्लीज एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए कि क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें। और दूसरी चीज, आपको पीडीएफ भेजा है, इसमें जो लेवल 1 है, मतलब पार्ट 1 है, उसको छोड़ दीजिएगा, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 कोर्स में इंक्लूडेड है। पार्ट 1 छोड़ दूं? हाँ, ओके, पार्ट 1 एक्सेल है, तो आप स्किप कर रहे हैं, वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो में आपके एक्सेस इंक्लूडेड है। एक्सेस इंक्लूडेड है, ओके। और तीसरी चीज, आप जो ट्रेनिंग देते हो किस किस चीज की देते हो? एक तो एक्सेस की देते हो, इमेजेस आपको मेरे डेस्कटॉप पे, और सारे चीज की ट्रेनिंग देता हूं।
पीडीएफ के इमेजेस में क्या आपके पास एमआईएस कैश और क्या है? Advanced Excel for working professionals, VBA Macro, MS Access, Dashboard, SQL, Tableau and Power BI. अच्छा इन सब की देते हो आप? अच्छा मुझे डाउन द लाइन जस्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे ठीक है मुझे डाउन द लाइन मुझे ना MySQL वगैरह अच्छा SQL आप कराते हो MySQL इसकी क्यूरी कराता हूँ जो कि दोनों में सेम है MySQL ले लीजिए चाहे SQL क्वेरी ले लीजिए सेम है थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है तो आप खुद भी कितनी डिफरेंस को निकाल सकते हैं ओके तो और आपने चार्जेस मुझे बताए थे कितने शायद मेरे ख्याल से 10,000 बताए हाँ 10,000 प्रोग्रामिंग के लिए 10,000 रुपीज चार्ज है तो 10,000 में क्या क्या कवर होगा लेवल 2 एंड लेवल 3 जो मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे अच्छा अच्छा भेज दिया नहीं क्योंकि मुझे मिला नहीं था चलो मैं एक बार इसको देख लूंगा कि क्या क्या उसमें इंक्लूसिव है ठीक है सर ठीक है चलिए ठीक ठीक है सर थैंक यू ओके थैंक यू बाय